हेलो दोस्तों, आप सबको राधा स्वामी। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो ब्लॉक है वो हम बना रहे हैं, एक देसी दवाई का नुक्ता है। किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, टीजी बढ़ जाता है, खून गाढ़ जाता है, हार्ट की शिकायत होती है, तो उसके लिए फार्मूला है। किन किन चीज़ों का इसमें इस्तेमाल होता है, कैसे इसका सेवन करना है, ये सब उस फार्मूले में बताया गया है। अगर हम डेली खाली पेट एक चम्मच लें और उसके एक घंटे के बाद ही कुछ खाएं पिए, परहेज रखें, तो हमें अटैक की शिकायत नहीं हो सकती। तो आप सब, तो इसमें आप सबको परहेज करना है और ठीक तरीके से लेनी है, तो हमें कभी भी अटैक की शिकायत नहीं हो सकती। खान पीन का सही से ध्यान रखें, कम तला हुआ खाएं, नमक मिर्च वाला कम खाएं, और ये दवाई भी लेते रहें। ये दवाई शरीर के जैसे कुछ और हिस्सों में भी, जैसे कि कहीं दर्द होता है या कुछ भी हो, उनमें भी अच्छा रिजल्ट देती है। तो देखिए आज का ब्लॉक है इस पर, देसी नुक्ते पर। तो जो जो इसमें मिक्स किया है वो सब आपको पता चल ही जाएगा इसमें। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, लाइक बताना, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके बाय। वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट सेक्शन में बताना आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बैठी हूँ, जशिका कर ली है मस्ती। तो फ्रेंड्स, मासी जी गए हैं अपनी शॉप पे, मम्मा कर रही है कपड़े वॉश, और मास्टर जी कुछ काम गए हैं, जरूर भैया भी गए हैं। तो मैं और जोशी और मम्मा घर पर हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा चलो आई मम्मा, मैंने सोचा तो बैठे बैठे मैं वीडियो बना लूँ, वैसे भी तो बोर हो रही है, फिर फोन टिड्डा हो गया, तो कैमरा सेट नहीं है, मतलब स्टैंड सेट नहीं, और नहीं करते हैं। बना रहे हैं दवाई घर की। ये जो आजकल वो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती है या खून गाढ़ा है, यूरिक एसिड है, कोलेस्ट्रॉल जो भी है, बहुत सी बीमारियां हैं उनमें ये दवाई फायदे करती है। और हमने इसके लिए ना नींबू का यहाँ पे रस निकाल लिया है, लहसुन को फोड़ लिया है, उसके बाद इसको अच्छे से धो लिया है, और अदरक हमने ऐसे काट लेना है लंबा लंबा सा, और ये है सेब का सिरका, और ये है शहद। इसको हम ना बनने के बाद, ठंडी हो जाएगी ना जब, फिर डाल लेंगे। और जैसे हमने बनानी है ना, तो हमने जो भी बनाएंगे हम, जैसे ये कटोरी हमने नींबू के रस के लिए है, उसी के हिसाब से हम इसका रस लेंगे, लहसुन का भी एक ही कटोरी, एक ही कटोरी हमने सेम अदरक के ही रस की लेनी है, और ये सेब का सिरका एक कटोरी ही ऐसे ही डलेगा ये। तो बनाना करते हैं शुरू। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इन सब का जूस। हम ये जो कटोरी है ना, इसका माप ले लिया है, की एक कटोरी का जूस निकाल लिया है, इसी के माप का हम अदरक की का रस ऐसे ही निकाल लेंगे।
ये निकालने हैं अदरक का जूस एक ही कटोरी, ये होगी दो कटोरी। नींबू का रस छान लेंगे हम। नींबू का रस छान लेंगे, बीज नहीं डालने हमने, बीज अलग से निकाल देंगे इसके। और इसके बाद एक कटोरी ही सेब का सिरका डाल लेंगे। और फिर इसको ना धीमी आंच पे पकाना है हमने, जैसे कि ये चार कटोरी है ना, तो जब पक्के हो जाएंगी इसकी तीन कटोरियां बच जाएंगी, एक कटोरी जल जाएगी, तो फिर उसका ठंडा होने के बाद हम जितना चाहे इसमें डल जाएगा पाइया शहद। तो फिर हम इसको शहद डालने के बाद मिक्स करके अच्छे से ना फ्रिज में रख देंगे। और रोज़ सुबह ना एक चम्मच लेना है, सर्दियों में चाहे डेढ़ या दो चम्मच कर लो आप। जिसको भी हार्ट की प्रॉब्लम है, नसें ब्लॉकेज हैं उनकी, कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए बहुत अच्छी दवाई है ये। और ये हो गया है एक कटोरी सेब का सिरका। जेसिका कर रही है मस्ती, कहाँ बैठे हो बेटा आप, कहाँ पर? जेसिका यहाँ पे हमने ना दवाई जो बना रहे हम देसी, तो ये पकनी शुरू हो गई है। 5-7 मिनट से ज़्यादा हो गए वैसे हमको इसको पकते हुए, हो गए होगे, हाँ 10 मिनट हो गए होगे। तो इतनी थी ये, यहाँ तक थी ये, तो ये पक के ना, अब इसमें जैसे चार कटोरी थी ना, तो रह गई है तीन कटोरी, अब ये बन चुकी है। अब ना हम इसको कर देंगे ठंडा, ठंडा होने के बाद फिर डालेंगे शहद, तब भी हम आपको दिखाएंगे। तो बने रहे हमारी वीडियो में एंड तक। बोलते देंगे हम शहद, और ये पाइया शहद है। अगर किसी को शुगर वगैरह ना हो ना, तो इससे ज्यादा भी डाल सकते हैं, थोड़ा अगर कड़वी सी लगे ये, तो इस वजह से ज्यादा भी डाल सकते हैं। बस शुगर जो जिन लोगों को ना शुगर होता है, उनको कम डालना होता है शहद। तो बस इसको अच्छे से करेंगे मिक्स, और किसी बोतल में या कोई आपके पास कांच का उजार है उसमें डाल के रख सकते हो, फ्रिज में रखनी, फ्रिज में है ये। और सुबह बस खाली पेट एक चम्मच लेना है एकदम से, उसके बाद हमने चाय वगैरह कुछ भी लेते हो आप वो नहीं लेनी। इसको लेने के बाद एक घंटे का गैप होना चाहिए, और इसके साथ पानी भी ज़्यादा पीना चाहिए, हल्का सा ही बस, जैसे कि ले रहे हैं चम्मच में, तो बस एक आधा चम्मच पानी का लेना है, ज़्यादा नहीं पानी पीना। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगे और आपके फ़ायदे में है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।